Good afternoon, all dear students. Today I am going to teach you evolution of stars. Last time we had learned what is the stability of stars. I think so this point is remaining. Last time we had learned properties of star. Okay. Today I am going to teach you what birth of stars. So students, huge cloud of gas and dust are present in the empty space between stars in a galaxy. तो देखो ये गैलेक्सी है, जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे गैसेस होते हैं जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे. तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, गैसेस होते हैं. तो गैलेक्सी में भी ऐसा होता है क्या? बिटवीन स्टार्स इन गैलेक्सी, जो स्टार्स है गैलेक्सी में, तो उनमें भी ऐसा रहेगा का? दीज आर कॉल्ड द इंटरस्टिशियल क्लाउड्स. इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टेलर क्लाउड बोलेंगे. जैसे कि डायग्राम में दिया है, 19.3 नंबर का जो डायग्राम है, यू शुड ऑब्जर्व पिक्चर ऑफ इंटरस्टेलर क्लाउड टेकन बाय द हबल स्पेस टेलीस्कोप. जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उससे ये इमेज लिया गया है. तो देखो, प्रेजेंट इन एम्प्टी स्पेस बिटवीन स्टार्स इन गैलेक्सी, दिस आर कॉल्ड इंटरस्टेलर क्लाउड. शो द पिक्चर ऑफ सच क्लाउड टेकन बाय द हबल स्पेस टेलीस्कोप. साइंटिस्ट यूज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर. तो लाइट ईयर का क्या किया था उन्होंने? यूज़ किया था, ये यूनिट यूज़ कर उन्होंने क्या किया? मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस. अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर. तो लाइट का पता है कि लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर. वन ईयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको बोलेंगे लाइट ईयर. एज अ स्पीड ऑफ लाइट इज 3 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड, द लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 × 10^12 किलोमीटर. द साइज ऑफ इंटरस्टेलर क्लाउड आर अबाउट ए फ्यू लाइट ईयर. डैट इज लाइट टेकन ए फ्यू ईयर टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्लाउड टू अनदर. फ्रॉम दिस यू कैन इमेजिन द ह्यूज साइज ऑफ क्लाउड. ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस दिस क्लाउड स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन देयर डेंसिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड देयर टेम्परेचर ऑल्सो स्टार्ट टू इंक्रीज. And dense sphere of hot gas is formed from the cloud. Once the temperature and density at the central of sphere increase sufficiently, nuclear energy generation through fusion of atomic nuclei generation starts there. Because of this energy generation, the gas sphere become self-luminous and a star is formed, or we can say that star is born. In the sun, this energy is generated by the fusion of hydrogen nuclei to form helium nuclei. This means that hydrogen at the central of the star acts as a fuel and energy is generated by the burning of this fuel. So do you know students, light takes about 1 second to reach us from the moon, while it takes 8 minutes to reach us from the sun. It takes 4.2 years to reach us from the star Alpha Centauri, which is star closer to the sun. So, student, there is one more information. When gas sphere contract, its temperature increase. This happened because of transformation of its gravitational potential energy into heat energy. More than one star can be produced by the contraction of huge इंटरस्टेलर क्लाउड. फिगर दिया है, शो अ क्लस्टर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार. मोस्ट ऑफ दिस स्टार हैव फॉर्म फ्रॉम द सिंगल गिगेंटिक इंटरस्टेशियल क्लाउड. तो एक बड़ा सा ऐसा क्लाउड से ही ये बहुत सारे स्टार्स बने हैं. ठीक है, तो क्लाउड क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, और हेलियम न्यूक्लियाई के वजह से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई
टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई. हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का कन्वर्जन हीलियम न्यूक्लियाई में हो जाता है. बहुत सारा हीट होने से ये क्या होता है, बर्स्ट होता है, छोटे छोटे टुकड़े में ये क्लाउड बढ़ जाता है. दिस इज नथिंग बट अ स्टार. तो स्टार कैसे प्रोड्यूस होते हैं मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ. स्टार्स दुनिया में सबसे ज्यादा जाने जाने वाले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. इनसे हमें यूनिवर्स की कई चीजों के बारे में भी पता चलता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तारे बनते कैसे हैं? फैक्ट ट्रक में आप सभी का स्वागत है. आज फैक्ट ट्रक आप लोगों को बताने जा रहा है स्टार्स के फॉर्मेशन के बारे में. स्टार्स हमारे यूनिवर्स में हर जगह फैले हुए हैं और ये यूनिवर्स में ही फैले धूल के बादलों के अंदर बनते हैं और इन क्लाउड्स को नेबुला कहा जाता है. इस नेबुला के अंदर ही ग्रेविटी की वजह से डस्ट और गैस कोलैप्स होकर आपस में मिलने लगती है और ये नेबुला के सेंटर में एक गर्म कोर का फॉर्मेशन करती है जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है. ये प्रोटोस्टार एक बेबी स्टार की तरह होता है जो आगे चलकर स्टार में बदल जाता है. क्लाउड्स के घूमने और डस्ट और गैस के कोलैप्स होने की वजह से ये दो तीन टुकड़ों में बट जाता है. इसीलिए ज्यादातर तारे ग्रुप्स में होते हैं. जैसे ही ग्रेविटी की वजह से क्लाउड कोलैप्स होता है, एक हॉट और डेंस कोर बन जाता है जो कि डस्ट और गैस को इकट्ठा करने लगता है. जरूरी नहीं है कि आसपास की पूरी डस्ट स्टार में बदल जाए, ये प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स में भी बदल सकती है या फिर ये केवल डस्ट ही रह जाती है. हमारे सन जितने बड़े स्टार को कोलैप्सिंग के बाद मैच्योर होने में 10 करोड़ साल लगते हैं और हमारा सन अगले 100 करोड़ सालों तक इस मैच्योर फेस में ही रहेगा. स्टार्स जितने बड़े होते हैं इनकी लाइफ उतनी ही छोटी होती है, लेकिन ज्यादातर बड़े स्टार्स करोड़ों सालों तक जीते हैं. स्टार्स को एनर्जी इनके कोर में मौजूद हाइड्रोजन में होने वाले न्यूक्लियर फिजन से मिलती है. स्टार्स की कोर का प्रेशर इन्हें खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स होने से बचाता है. जब स्टार के कोर की हाइड्रोजन खत्म होने लगती है तो ये कोलैप्स होना शुरू कर देता है और अपने आसपास की हाइड्रोजन का यूज करता है जिससे स्टार्स रेड जाइंट में बदल जाते हैं. बहुत बड़े स्टार्स को हाइपर जाइंट्स कहा जाता है और ये हमारे सन से 100 गुना बड़े होते हैं और इनका सरफेस टेम्परेचर 30,000 केल्विन से ज्यादा होता है. हाइपर जाइंट्स सन से हजारों गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज करने की वजह से इनकी लाइफ बहुत कम होती है. हर तारे का फॉर्मेशन और उसकी लाइफ उसके साइज पर डिपेंड करती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट स्ट्रक. थैंक यू. वांट योर बिजनेस ईमेल टू बी जीमेल. This was our today's lecture, student. I hope you understood each and everything. Thank you. Bye-bye.